हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, MLM बाइनरी सिस्टम। ये प्रोजेक्ट हमने कोडिग्नेटर के लेटेस्ट वर्जन CI4 पे बनाया है और इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट का डेमो दूंगा। जैसे कि हमने नाम बता रखा है कि MLM प्रोजेक्ट है और टाइप इसका बाइनरी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट का डेमो। तो ये हमारी मेन पेज है, इंडेक्स पेज है, इसको अभी तक हमने चेंज नहीं किया है। ये कोडिग्नेटर के 4.0.4 वर्जन पे बनाया है इसको। तो इसमें हमने दो लिंक दे रखे हैं, एक तो यूज़र रजिस्टर के लिए और एक यूज़र लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो हम एक यूज़र को पहले लॉगिन करते हैं। ये अभी हम यूज़र पैनल देख रहे हैं, इसके बाद हम एडमिन पैनल देखेंगे। तो मैं यूज़र लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, एक मिनट, पासवर्ड गलत हो गया। पासवर्ड मिसमैच हो रहा है, पासवर्ड क्या लगाया था मैंने। यहाँ पे हमने एक यूज़र को लॉगिन कर लिया है। ये हमारा यूज़र का डैशबोर्ड है जिसके अंदर हमने कुछ कार्ड बना रखे हैं, जैसे कि अर्निंग का एक कार्ड है, फंड वॉलेट का कार्ड है, टोटल राइट में उसके पास कितने बंदे जुड़े हुए हैं और टोटल लेफ्ट में उसके पास कितना है, एक्टिव लेफ्ट टीम कितनी है, एक्टिव राइट टीम कितनी है और उसने विड्रॉ कितने लगाए थे जिसमें से पेंडिंग का अमाउंट कितना है और कितना विड्रॉल सक्सेस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास कुछ मेन्यू है, जैसे कि फंड्स, फंड्स में है एड फंड है और फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद है एक्टिवेट यूज़र, यहाँ से यूज़र किसी दूसरे यूज़र को एक्टिवेट कर सकता है। इसी तरह से अपग्रेड यूज़र है, अपग्रेड यूज़र में भी अगर कोई यूज़र को अपग्रेड करना चाहे तो यहाँ से अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और ये है एक इनकम का मेन्यू जिसके अंदर डायरेक्ट इनकम आ रही है, लेवल इनकम आ रही है, डेली आरओ इनकम आ रही है, बाइनरी इनकम आ रही है और अपग्रेड इनकम आ रही है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फंड ट्रांसफ़र है, जैसे कि फ़ंड टू फंड, मतलब कि कोई यूज़र किसी दूसरे यूज़र को फ़ंड भेजना चाहे तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता है, और मेन टू फंड खुद के मेन वॉलेट से फंड वॉलेट में डालेगा तो वो यहाँ से डाल सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास विड्रॉल है, विड्रॉल में यूज़र जितना भी अर्निंग करता है उसका विड्रॉल यहाँ पे लगा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जीनोलॉजी है और माय रेफरल्स है, अभी मैं इनको एक एक को दिखाऊंगा। तो ये हमारी मेन्यू है। इसके बाद हमारे पास मैनेज प्रोफाइल है, बैंक डिटेल है और चेंज पासवर्ड है, एंड ये हमारी वॉलेट हिस्ट्री है और ये हमारा लॉगआउट का बटन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं एड फंड, ये हमारे एड फंड करने का फॉर्म है जहाँ से हम टाइप सेलेक्ट करेंगे, एडमिन को पैसा भेजेंगे, उसके बाद एडमिन को यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे और एडमिन अप्रूव करेगा तो हमारे को एड फंड में हमारा फंड ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी हिस्ट्री है कि एक रिक्वेस्ट इसकी सक्सेस है, एक इसकी रिजेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह से है एक्टिवेट यूज़र, तो यहाँ पे एक्टिवेट यूज़र का यूज़र नेम होगा, किस पैकेज से एक्टिवेट हो रहा है और उसके ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ से वो देख सकता है कि उसने किस किस यूज़र को एक्टिवेट किया है। तो ये जो लिस्ट आ रही है, ये अभी जो यूज़र लॉगिन है उसने इन सभी को एक्टिवेट किया है। इस तरह से नीचे आते हैं अपग्रेड यूज़र पे, वही सेम फॉर्म है, पैकेज अलग है इसमें कि यूज़र अपग्रेड कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। प्रोसेस सेम है, इसी तरह से वो हिस्ट्री देख सकता है कि उसने किस किस यूज़र को अपग्रेड किया है, ठीक है। अब हम आते हैं इनकम पे, मैं सारी इनकम खोल लेता हूँ। ये डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम, ROI, बाइनरी और अपग्रेड, ये हमारी डायरेक्ट इनकम है जो स्पॉन्सर को मिलती है, जिसने भी मुझे मेरी ID से रजिस्टर किया होगा उससे मुझे ये इनकम मिलेगी, ठीक है। इसके बाद लेवल इनकम की हमने सेट किया हुआ है कि 10 लेवल तक इनकम मिलेगी जब कोई यूज़र रजिस्टर होता है तो स्पॉन्सर वाइज लेवल इनकम पहुंचती है। डेली ROI, डेली ROI होती है कि डेली बेस पे कि इसको 200% जो भी पैकेज लेता है उसका 200% इसको मिलता है, ठीक है। तो ये इसका डेली ROI हो गया। इसके बाद बाइनरी इनकम, बाइनरी इनकम के अंदर हम पेयर मैच करते हैं उसके बेस के ऊपर इनकम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो जितने अभी मैंने 30 पेयर मैच हुए थे, 30 पेयर की इतनी इनकम मेरे को मिली है, तो ये हो गया बाइनरी इनकम। इसके बाद है अपग्रेड इनकम, अपग्रेड इनकम में अगर कोई यूज़र को हम अपग्रेड करते हैं तो उसके स्पॉन्सर को यहाँ पे अपग्रेड इनकम मिलती है। तो ये हो गया हमारा इनकम वाला सेक्शन। इसके बाद फंड ट्रांसफ़र पे आते हैं,
फंड ट्रांसफ़र के अंदर कुछ एरर रह गई, तो वैसा सिंपल सा है फंड ट्रांसफ़र का भी कि इसमें हम किसी यूज़र का यूज़र नाम डालते हैं और कितना अमाउंट बेचना है वो डालते हैं। तो हमारे को यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है कि मैंने इस यूज़र को इतना रुपया भेजा था और इस यूज़र को इतने रुपये भेजे थे, ठीक है। ये सिर्फ फंड वॉलेट में जाएगा, मेन वॉलेट में नहीं जाएगा। मेन वॉलेट में सेल्फ यूज़र खुद के अर्निंग से खुद के फंड वॉलेट में डाल सकता है। इसके बाद ये विड्रॉल है, यहाँ से हम विड्रॉल लगा सकते हैं कि जितना भी हमारा अर्न हुआ है पैसा उतने की रिक्वेस्ट लगा देंगे एडमिन को, तो एडमिन वहाँ से हमें अमाउंट सेंड कर देगा, ठीक है। ये हो गया, ये विड्रॉल हिस्ट्री है इसकी, 1,000 रुपये की रिक्वेस्ट लगाई थी, ये इसकी बैंक डिटेल है और ये सक्सेस हो गया है, ठीक है, एडमिन ने इसको सक्सेस कर दिया है। इसके बाद हमारे पास है जीनोलॉजी। जीनोलॉजी हमारी ये है कि हमारी जो टीम है वो कैसे है, मेरे लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में ये है, और इनके लेफ्ट राइट में कौन कौन है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं माय रेफरल्स। माय रेफरल्स में वो लोग हैं जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है, तो इतने यूज़र मेरी आईडी से ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है, ये तो हमारा बेसिक चीज़ है, मैनेज प्रोफाइल। यहाँ से हम यूज़र की प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, बैंक डिटेल है हमारे पास, बैंक डिटेल को ऐड कर सकते हैं। ये मैनेज प्रोफाइल का पेज है, ठीक है। इसके बाद है बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल के अंदर यहाँ से यूज़र अपनी बैंक की डिटेल अपडेट कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, पासवर्ड चेंज, कि हम अपने प्रोफाइल के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है वॉलेट हिस्ट्री, तो यूज़र अपनी वॉलेट हिस्ट्री देख सकता है कि उसको कब कब पैसा मिला है और कब कब उसका पैसा कटा है। तो इसमें CRDR दोनों टाइप की एंट्री है, 100 रुपये माइनस हुए, इसका रिमेनिंग इतना है, 50 रुपये इसको मिले हैं, इसका रिमेनिंग इतना है, किस वॉलेट में मिले और किस वॉलेट से गए हैं, दोनों की इसमें पूरी पूरी एंट्री है। तो ये तो हो गया हमारा यूज़र पैनल। यूज़र पैनल के बाद में हम आते हैं अपने एडमिन पैनल के ऊपर, तो इसको लिखते हैं एडमिन इंडेक्स, ठीक है। एडमिन, मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ और ये हमारा एडमिन पैनल है। अभी जो दिखाया था वो यूज़र पैनल था, अब ये हमारा एडमिन पैनल है। इसके अंदर भी कुछ कार्ड बने हुए हैं, जैसे कि इनकम एंड अमाउंट, अर्निंग है, फंड वॉलेट है, एक्टिवेशन अमाउंट है, अपग्रेड अमाउंट है, कि यहाँ से यूज़र को अपना बिजनेस देखना है कि उसके पास कहाँ 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 से पैसा आ रहा है, तो वो इस कार्ड के अंदर है। अब इसके बाद है विड्रॉल। विड्रॉल के अंदर पेंडिंग में कितने की रिक्वेस्ट है, अप्रूव्ड उतने कितने की कर दी, रिजेक्ट में उसके पास कितने की रिक्वेस्ट है। इसके बाद है यूज़र, पेंडिंग यूज़र कितने हैं, एक्टिव कितने हैं और सस्पेंड कितने हैं। इसके बाद है फंड रिक्वेस्ट एंड फंड ट्रांसफ़र। तो पेंडिंग रिक्वेस्ट कितनी पड़ी हुई है, 0 है। अप्रूव रिक्वेस्ट 100 रुपये की है, रिजेक्ट कितने कर दी, 500 रुपये की, और फंड ट्रांसफ़र कितने का हुआ है, 140 रुपये का, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एक्टिव यूज़र, पेंडिंग यूज़र और सस्पेंड यूज़र। ये हमारे एक्टिव यूज़र हैं जिसकी हम डिटेल यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से हम उनको सस्पेंड और अप्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पेंडिंग में हमारे पास कोई भी यूज़र नहीं है, सस्पेंड में हमारे पास कोई भी यूज़र नहीं है, ठीक है। यूज़र सेक्शन हो गया। इसके बाद आता है फंड रिक्वेस्ट, तीनों ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। पेंडिंग में अभी हमारे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है, अप्रूव में हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, किसी ने NEFT किया था, ये उसका रेफरेंस आईडी है और इतने रुपए का NEFT हुआ था, ठीक है। रिजेक्टेड में किसी ने पेटीएम किया है, रेफरेंस आईडी है, 500 रुपये का था, तो हम उसको जैसे अपने अनुसार कि किसी ने गलत रिक्वेस्ट लगा दी तो उसको हम यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फंड रिक्वेस्ट के बाद चलते हैं एक्टिवेट यूज़र। एक्टिवेट यूज़र में हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन यूज़र किसको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, और उससे कितना पैसा उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे है एक्टिवेट जो हो रहा है और उसका स्पॉन्सर कौन था, ठीक है, वही सेम इसमें अपग्रेड का है, इधर यूज़र नेम है, इधर एक्टिवेटर नेम है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इनकम पे। इनकम पे वही एडमिन सभी टाइप की इनकम देख सकता है कि किस यूज़र से किसको इनकम मिली है और कितनी इनकम मिली है, ठीक है। लेवल इनकम भी वही सेम है। इसके बाद ये ROI इनकम है, ठीक है। और इसके बाद है बाइनरी इनकम,
इस यूज़र को इतना पैसा मिला है, इतने पेयर पे मिला है, ठीक है, और इस तारीख को मिला है। तो ये हो गया उनकी इनकम का। इनकम के बाद हमारे पास है फंड ट्रांसफ़र। तो फंड हिस्ट्री अगर हमें देखनी है कि कौन यूज़र किसको कितना पैसा भेज रहा है, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं विड्रॉल पे। विड्रॉल हमारे पास तीन टाइप का है। पहले सबसे पहले हमारे पास पेंडिंग में आएगा, उसको हम या तो अप्रूव करेंगे या फिर हम उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग में एडमिन खुद के पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा बाइनरी सिस्टम। तो ये तो हो गया हमारा आउटपुट जो हम देखा है कि एडमिन पैनल कैसा है और यूज़र पैनल कैसा है। इसको कर देते हैं अभी हम लॉग आउट। ये अभी हमारा CI फॉर में है, तो मैं इसका सोर्स कोड भी दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास कंट्रोलर है, एक तो एडमिन कंट्रोलर जिसमें ये कुछ फंक्शन बना रखे हैं एडमिन के लिए, ठीक है। और एक हमारे पास कंट्रोलर है होम कंट्रोलर जिसमें पूरा यूज़र का डाटा रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा यूज़र कंट्रोलर का डाटा, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेटर 4 है जो कि अभी लेटेस्ट फ्रेमवर्क है CI में, वो लेटेस्ट वर्जन है CI का। और इसमें व्यूज़ में हमारे पास एडमिन के अंदर एडमिन की फाइलें रखी हुई है, होम के अंदर होम की फाइलें रखी हुई है, ठीक है। और मॉडल के अंदर हमने एक क्रेड मॉडल बना रखा है जिसमें हम हमारे जितने भी डेटाबेस के साथ क्वेरी का काम हो रहा है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमने एक हेल्पर भी बना रखा है इसके अंदर कि किसी जगह पे हेल्पर यूज़ आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें वीडियो के कमेंट में जाके बता सकते हैं। अगर आपको इसका लाइव डेमो देना डेमो देखना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है code.dsoftservice.com। इस पर आएंगे, इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप इसका लाइव डेमो देख सकते हैं। तो ये हमने एक पोस्ट डाल रखी है MLM बाइनरी की, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो ये इसमें छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन डाल रखा है कि किस तरह से काम कर रहा है। अभी यहाँ पे वीडियो का और लाइव डेमो का बटन नहीं है, तो यहाँ पे बटन भी हम एक्टिवेट कर देंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसका लाइव डेमो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको सोर्स कोड को डाउनलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सोर्स कोड परचेज करने के लिए, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।